नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, अनुदेशक या फिर शिक्षक साथी हैं, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल साथियों, आप सभी थंबनेल पर एक बार देख लें कि सभी शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को कराना होगा स्वास्थ्य बीमा, आदेश जारी। दरअसल एक ऑफिशियल नोटिस आज की डेट में जारी हुई है, जहाँ पर ये सारी बातें लिखी गई है कब आप सभी को ये स्वास्थ्य बीमा करवाना है और किस प्रकार से करवाना है, कितना शुल्क होगा या फिर शुल्क नहीं होगा। ये सारी बातें आगे वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे, सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट खुलकर आ चुकी है, आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रही होगी। ये आज की ही डेट में नोटिस जारी हुई है, जहां पर आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, जहां पर आप सभी देख लें कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों या शिक्षा मित्रों या फिर अनुदेशकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों हेतु सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एवं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस भी लागू करने के संबंध में। यहाँ पर आप देख लें कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के महानिदेशक, आप पत्रांक संख्या देख लें, दिनांक 26/9/2022 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों हेतु सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एवं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लागू के निर्देश प्राप्त है, जहां पर आप देख लें कि कृपया उपरोक्त अनुसार शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एवं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लागू कराते हुए प्रगति की स्थिति हस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यहां पर आप देख लें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये अभी केवल महाराजगंज में ये नोटिस जारी हुई है, लेकिन बहुत जल्द आपके सारे प्रदेश, पूरे प्रदेश में नोटिस जारी हो जाएगी। इसलिए यहां पर ये जो बात है, ये बात आप सभी ध्यान से पॉइंट आउट कर लें, यानी कि नोट आउट आप इसे कर लें कि बहुत जल्द ये कार्य भी आप सभी को करवाना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो शुल्क है वो देय नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से ये निःशुल्क होगा और गवर्नमेंट की तरफ से ये कार्य कराना होगा। साथियों यही इतनी अपडेट थी, सूचना आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपके भी जिले में ये नोटिस आई है तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।